press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अलवर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तावित हैं। अलवर लोकसभा की 8 विधानसभाओं में लगातार बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को फीड दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में आज रामगढ़ विधानसभा में भी जितेंद्र सिंह, श्रम मंत्री टीकाराम जूली, विधायक साफिया खान ने कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों को संबोधित किया। जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार पर देश को बांटने के आरोप भी लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। टीवी पर भाजपा के नेता और प्रवक्ता इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे वह सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वहां मौजूद हों। कुछ इसने ये खेल जरूर करेगा चुनाव के नजदीक, और वही समय आ गया। आपने देखा कि जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और एयरफोर्स का है, इसके ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोई इतने सारे ये कह रहे हैं, इतने सारे लोग मर गए, कोई मरा है तो फिर कोई वो भी तो हुआ होगा, जख्मी भी तो हुआ होगा, उसका कोई नहीं मालूम। और ये सब बीजेपी बोल रही है, क्यों ना सेना का जो चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है, वो क्यों नहीं बोलता है कितने लोग हुए हैं? उनकी बात के ऊपर हमारा विश्वास होगा, लेकिन इनके जो मंत्री हैं, इनके प्रवक्ता हैं, जो टीवी पर बैठे बैठे रहते हैं, वो बोल रहे हैं ये कर ले, जैसे वो वहां थे ऐसे बोल रहे हैं। आंखों देखा हाल जैसा होता है, आंखों देखा हाल बता रहे हैं जैसे वो बैठे बैठे खुद युद्ध लड़ रहे हो। रामगढ़ का इनका कार्यकर्ता ऐसे भाषण देता है चौराहे पर बैठ के, जैसे वो पुलवामा में जाकर और बंदूक चला रहा था या बम फेंक रहा था। तो मेरा निवेदन यह है कि इसी बातों को लेकर अफवाहों को उड़ा कर पता नहीं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, कभी आरक्षण की बात लाते हैं, कभी किसी की बात लाते हैं, तो इनकी जो राजनीति है वो सब इसी पर है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।